हवा चलती है जो उसको कहते हैं पवन, पवन है जिससे प्रेशर गति हो उसको क्या कहेंगे पवन, और जो बंद कमरे में है इसको कहेंगे हवा, और जो कहेंगे हवा। तो उसको हम लोग देखिए डायग्राम से है ना देखेंगे, ऐसे थ्योरी सब लिखा चुके हैं। तो इसमें देखिए ये आपका विषुवत रेखा जिसको कहते हैं, या फिर इसको लो प्रेशर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं, अभी 5 डिग्री से 5 डिग्री तक विषुवत रेखा निम्न दाब होता है। वहीं पे हम आप इसमें जाएंगे तो 25 डिग्री से 35 डिग्री तक उपोष्ण उच्च दाब होता है, और जो होता है उपोष्ण उच्च दाब पेटी का देश। अच्छा ये चीज और बताना चाहते हैं कि विषुवत रेखा निम्न दाब पेटी जो है ये ऊपर में हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब उसके बाद आते हैं 65 डिग्री से 55 डिग्री तक उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उसके बाद आते हैं 80 डिग्री से 90 डिग्री तक उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी का देश को, ठीक उसी तरह से 25 डिग्री से 35 उपोष्ण उच्च दाब पेटी हो गया। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे थे कि 25 से 35 तो सेम जो नीचे है दक्षिणी गोलार्ध में वही उत्तरी गोलार्ध में, फिर 55 डिग्री से हम लोग देखते थे 65 डिग्री तक, इसको भी 55 से 35 दिन तक उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। अब फिर 65 डिग्री से 80 डिग्री से देखिए 80 डिग्री से 90 डिग्री तक ये आपको ध्रुवीय उच्च दाब पेटी हुआ, ठीक। इसमें होता है कि आखिर पवन किधर से किधर चलेगा, तो हम लोग 3 पॉइंट को फाइंड आउट किए हैं। देखिए सबसे पहले कि गोलार्ध को पता करेंगे कि किस गोलार्ध में, उत्तरी में है कि दक्षिणी में, तो सबसे पहले दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी में हम लोग मान लीजिए हमको दर्शाना है ईस्ट में है ना, ईस्ट में दर्शाना है, तो इसमें मान लीजिए यहाँ पे हम है यहाँ पे है, यहाँ है तो चीज हाई से लो जाता ही है, एक तो कि गोलार्ध पता करेंगे, फिर हाई से लो किधर जाता है पवन हाई से लो, और फिर दक्षिणी गोलार्ध में है तो दाएं से बाएं, और अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो दाएं से दाएं। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे है, तो देखिए कोरियोलिस बल के कारण जो मुड़ जाता है, यहाँ से हमको देखिए हाइट ये हाई है तो क्या है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से कहाँ जाता है लो प्रेशर, ये देखिए लो प्रेशर है यहाँ पे, यहाँ इसको जाना चाहिए सीधा जाना चाहिए, लेकिन इसमें कोरियोलिस बल के कारण ये क्या हो जाता है मुड़ जाता है, कुछ हो जाता है मुड़ जाता है, इधर में मुड़ेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में दाएं से बाएं। देखिए यहाँ से इसलिए यहाँ से हम खड़ा है इधर, इधर हमको कुछ हुआ बाएं इधर हुआ दाएं इधर हुआ, ये देखिए दाएं से किधर मुड़ गया बाएं, यानी कि इधर से इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया जाना था इधर लेकिन इधर न जाकर के इधर मुड़ गया, उसी तरह से मैं जाना था इधर दाएं बाएं मुड़ गया, कहने मुड़ गया सभी बाएं मुड़ गया है, किधर मुड़ गया है बाएं मुड़ गया है, बाएं मुड़ गया है ना। उसी तरह से अगर हम चलेंगे इसमें आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पे देखिए ये हाई टेम्परेचर है हाई प्रेशर, तो हम मान ली कि यहाँ पे हाई से हमको जाना है लो या फिर यहाँ से जाना है लो इधर, अगर यहाँ पे हम खड़ा है यहाँ से देखिए कहे हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में किधर जाएगा दाएं से उत्तरी गोलार्ध में बाएं से दाएं, तो यहाँ से मान किधर में मुंह कर इधर में पवन चल रही है, तो यहाँ पे इसका किधर हो जाएगा इधर हो जाएगा आपका दाएं दाएं, इधर हो जाएगा बाएं, तो किधर जाती है बाएं से दाएं, यानी कि इसको यहाँ पे है तो यहाँ देखिए दाएं मुड़ गया, किधर मुड़ गया दाएं से दाएं मुड़ गया, सब में उसी में देखिए ऐसे मुड़ गया है ना इस टाइप में मुड़ गया है। अब उसी तरह से देखिए ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पे है, अब यहाँ पे है ये भी है उत्तरी गोलार्ध, अब उत्तरी गोलार्ध है तो देखिए इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण ये भी किधर मुड़ गया बाएं से दाएं, देखिए इधर से इधर मुड़ गया। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं इसको याद रखेंगे, अब इसको थ्योरी कुछ आगे बताए थे, अब इसके आगे हम लोग जाएंगे कि पछुआ पवन क्या होता है व्यापारिक पवन क्या होता है ना। चलिए क्योंकि ऐसे किताब में दे रहे थे तो आप लोग को लगता होगा कि क्या बना दिया फिगर, आप फिगर को समझ गए होंगे क्या क्या देखने पड़ता है, सबसे पहले किस गोलार्ध में फिर हाई से लो क्यों, अब फिर जिस गोलार्ध माने उत्तरी में है तो बाएं से दाएं, दक्षिणी में है तो दाएं से बाएं। चलिए अब इसको आगे हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं इसी के साथ। जय श्री कृष्ण।